क्वेश्चन नंबर 7 इज कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड एज शोन इन द इक्वेशन. सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूसिंग सोडियम फॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. अगर आपको फॉर्मूला वगैरह का आइडिया ना हो रहा हो इक्वेशन में कि कौन सा क्या चीज है, तो अक्सर आपका फॉर्मूला के साथ नेम लिखा होता है. सो दिस वन इज H3PO4 इज अ फॉस्फोरिक एसिड, पर आपको पता होना चाहिए नेम्स का. आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कितने मोल्स फॉस्फोरिक एसिड के रिक्वायर्ड हैं चाहिए 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स गिवन है प्रोडक्ट में और फॉस्फोरिक एसिड के रिएक्टेंट के मोल्स आपको रिक्वायर्ड हैं. जो जिसकी वैल्यूज गिवन हो उनके बीच में रिलेशन लगता है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाना है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फॉस्फोरिक एसिड के पूछे हैं. और जिसकी दो वैल्यूज गिवन हो उसे पहले लिखते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड की दो वैल्यूज गिवन है, एक हमें इक्वेशन से मोल्स पता है और एक हमें गिवन है, तो पहले इसको लिखेंगे फिर फॉस्फोरिक एसिड को लिखेंगे. तो इक्वेशन में पहले देख लेते हैं, पहले इक्वेशन में देखते हैं फिर मोल्स से देखते हैं जो गिवन होते हैं. तो इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स फॉस्फोरिक एसिड के 2 मोल्स से बनते हैं. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 1.5 मोल्स बन रहे हैं तो फॉस्फोरिक एसिड के कितने मोल्स से बने होंगे. सो 2 ये वाला और मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाय 3, योर आंसर विल बी 1. तो 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड 1.5 बनाता है. तो 1 इज द करेक्ट आंसर. वैसे भी आपको पता है अगर 2 मोल्स 3 मोल्स बना रहे हैं तो 3 का हाफ कितने मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड से बनेगा, 1 मोल से हाफ बनेगा. सो इट आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस. नेक्स्ट आइए, विच रो शोज द करेक्ट स्टेट सिंबल फॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द कंडीशंस आर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा है, तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और इन्होंने मेंशन कर दिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो डाइल्यूट मीन्स कि उसमें वाटर मिक्स है, तो ये HCl एक्वस फॉर्म में है, तो एक्वस स्टेट में. यहाँ पर भी मेंशन है सॉलिड और एक्वस, यहाँ पर भी मेंशन है. नेक्स्ट आइए, जो आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, अब वो HCl एक्वस स्टेट में है तो आपका प्रोडक्ट भी एक्वस होगा. सो कैल्शियम क्लोराइड भी एक्वस स्टेट में होगा. तो दिस वन इज ऑल्सो एक्वस, दिस वन इज ऑल्सो एक्वस. नेक्स्ट आइए, वाटर आपको पता है लिक्विड है, तो एक्वस स्टेट नहीं लिखते वाटर के लिए, वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक्वस लिखा है तो दिस इज रॉन्ग, और यहाँ मेंशन है लिक्विड तो दिस इज करेक्ट. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो यहाँ भी गैस था मेंशन और यहाँ भी गैस था, बस एक चीज का डिफरेंस था, दैट इज वाटर. वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है. सो करेक्ट स्टेट इज, करेक्ट आंसर इज डी. दीज ऑल आर करेक्ट स्टेट्स. नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर. टू फर्टिलाइजर्स आर मेड बाय मिक्सिंग केमिकल कंपाउंड. फर्टिलाइजर एक्स कंटेन्स 500 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड 500 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट पर किलोग्राम. और एक फर्टिलाइजर है एक्स जिसके पास 700 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट है और 300 ग्राम कैल्शियम सल्फेट है पर किलोग्राम. विच फर्टिलाइजर कंटेन द हायर परसेंटेज. एक्स फर्टिलाइजर के पास हायर परसेंटेज है या वाई फर्टिलाइजर के पास ऑफ नाइट्रोजन बाय मास. बाय मास आपने बताना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास एंड विच कंटेन द हायर परसेंटेज ऑफ सल्फर बाय मास. तो परसेंटेज बाय मास नाइट्रोजन और सल्फर का बताना है कि इनमें से किस फर्टिलाइजर के पास नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा है और किसके पास सल्फर की परसेंटेज ज्यादा है. तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, हमने कॉपी में किया था, ठीक है, ये आपको दिखा भी देते हैं इसके ऑप्शंस. ये है कि फर्टिलाइजर विद हाई परसेंटेज एक्स है, फर्टिलाइजर विद हाई परसेंटेज विद एस है. तो कौन है, एक्स में नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा है, एक्स में सल्फर की ज्यादा है, तो ये ऑप्शंस हैं डिफरेंट. तो लेट्स चेक इट. फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट. तो ये आपका मास ऑफ एलिमेंट, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसमें कितना है, तो आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एलिमेंट करना होता है. मास ऑफ आपका जो है वो एलिमेंट,
सॉरी मास ऑफ कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ये एलिमेंट का कर लीजिए, लिख लीजिए मास, यानी कि आपको जो सैंपल का गिवन है बेसिकली, ठीक है तो जो आपको सैंपल का गिवन है बेसिकली वो लिखना होता है यहाँ, मास ऑफ सैंपल। अब आपने बताना है कि एक्स फर्टिलाइजर में ज्यादा है कि आपका जो है वो वाई फर्टिलाइजर में ज्यादा है नाइट्रोजन और सल्फर, तो लेट्स सी किसमें क्या चीज ज्यादा है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सबसे पहले हम एक्स फर्टिलाइजर के लिए देख लेते हैं। सो अगर आप यहाँ देखें एक्स फर्टिलाइजर के पास 500 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट है, 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट है, तो ये टोटल 100 ही बना रहा है। तो दैट मीन्स नाइट्रोजन की परसेंटेज इसमें से भी, ग्राम इसमें से भी यूज होंगे, कैलकुलेट होंगे, और इसमें से भी मास परसेंटेज इसमें से भी कैलकुलेटेड होगा, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन है। सो दोनों के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसका जो टोटल होगा वो हमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बताएगा। सो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। आपने जो एलिमेंट का एलिमेंट्स हैं कंपाउंड में उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेना है, तो ये नाइट्रोजन है ना, तो दो नाइट्रोजन हैं तो 28 एटॉमिक मास हो गया पूरे कंपाउंड का, ये आपका गिवन है 80, तो 80 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सैंपल, तो मास ऑफ सैंपल कितना दिया हुआ है आपको 500 ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाय 500 ग्राम, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 175 ग्राम। अब ये इसमें आपने नाइट्रोजन की देख ली, अब सेकंड में देखिए इसमें देख लेते हैं अमोनियम सल्फेट में, तो आपने सेम प्रोसीजर करना है। अब ये हमने किया है अमोनियम नाइट्रेट के लिए नाइट्रोजन की परसेंटेज देखी है, ये नाइट्रोजन की, और अब हम अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज देख लेते हैं। तो इसमें भी दो ही नाइट्रोजन है, या ब्रैकेट के बाय 2 देख सकते हैं, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई, तो 28 आ जाएगा, और इस पूरे का जो है मोलिक्यूलर मास दिया हुआ है 132, तो डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाई बाय सैंपल का मास वो है 500, तो आप जब ये सब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 106.06 ग्राम, तो ये भी नाइट्रोजन का आया है। दोनों में हमने नाइट्रोजन का देख लिया, अब इन दोनों को सम कर लीजिए, 175 प्लस 106.06, तो ये आपका कुछ टोटल हो जाएगा 281 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है 281 ग्राम नाइट्रोजन। एक्स में 281 ग्राम्स यानी कि इतने ग्राम्स है, इतनी ज्यादा है, तो इसकी परसेंटेज भी अकॉर्डिंगली ज्यादा होगी 100 ग्राम है। अब आप सल्फर के लिए देख लीजिए, क्योंकि सल्फर इसमें तो है नहीं, तो सिर्फ इसमें है, तो इसके अकॉर्डिंग सल्फर की देख लेते हैं। अब हम सल्फर की चेक करने लगे हैं, सो सेम आपने प्रोसीजर करना है, ऊपर आपने सल्फर का मास रखा एटॉमिक मास, नीचे आपने पूरे कंपाउंड का रखना है, तो इसका है 132 मल्टीप्लाई आपने इससे कर देना है 500 से, सैंपल 500 लिया था हमने, 500 ग्राम लिया था मास ऑफ सैंपल, ठीक है। जब आप ये कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 121.1 ग्राम, तो दैट मीन्स एक्स सैंपल में 281 ग्राम नाइट्रोजन है और 121 ग्राम के करीब सल्फर है, ठीक है। अब आप एक्स वाई के लिए देख लीजिए, सेम फॉर्मूला, वाई में इसमें सिर्फ इसी में नाइट्रोजन है, सेकंड वाले में आपने जो सैंपल ऐड किया था, जो मिक्स किया था कंपाउंड, उसमें नाइट्रोजन नहीं, तो सिर्फ इसके लिए चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय, इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 80 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई कर दीजिए 700 है, आप अब इसमें 700 ग्राम्स लिया था, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 245 ग्राम, तो ये नाइट्रोजन आ गया है वाई सैंपल में। अब सल्फर देख लेते हैं, तो सल्फर के लिए आपने क्या करना है, इसमें एक ही सल्फर है, तो यानी कि सल्फर का एटॉमिक मास 32 ग्राम, और इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 136, ये आपकी क्रिस्टोफर की बुक में ये फॉर्मूला मेंशन है, आप वहां चेक कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 7 में। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 300 से, क्योंकि 300 ग्राम हमने ये सैंपल लिया था, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 76 ग्राम सल्फर, तो यानी कि एक्स सैंपल में नाइट्रोजन 281 है और सल्फर 121 है, और वाई में नाइट्रोजन 245 है और सल्फर 76 है, तो किसमें ज्यादा है, नाइट्रोजन किसमें ज्यादा है, ऑब्वियसली एक्स में नाइट्रोजन ज्यादा है, और सल्फर किसमें ज्यादा है, वो भी एक्स में ज्यादा है, वाई में ना नाइट्रोजन ज्यादा है ना सल्फर, दोनों ही चीजें
एक्स में ज्यादा हैं। सो ऑप्शंस अगर आप अब देखें, विच वन ऑप्शन इज द करेक्ट वन? सो ऑप्शन ए आप देख लें कि परसेंटेज बाय मास एक्स में नाइट्रोजन ज्यादा है और एक्स में ही सल्फर ज्यादा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन पे, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड इज, ये एक इक्वेशन आपको शो की गई है। अब इसमें आपको बैलेंस करनी है इक्वेशन, बिकॉज आपको मोल कोफिशियंट्स नहीं बताए गए। तो आपको एक्स वाई एक्स डब्ल्यू वाई जी ए, ये जो मोल कोफिशियंट्स हैं ये बताने हैं। तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस करके चेक करेंगे तो आपका आंसर आएगा डी, यानी कि 3 कॉपर के मोल्स, 8 नाइट्रिक एसिड के मोल्स, HNO3 के मोल्स प्रोड्यूसिंग 3 मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी इन मोल कोफिशियंट से। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसे आप चेक कर लीजिए।